हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल फ्लाइट। एसी में से फरफरहट की आवाज़ आना, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि फरफर करके एसी की जो हवा है वो इस तरीके का साउंड दे रही है, हवा प्रॉपरली आ नहीं रही है, रुक रुक के आ रही है, और इससे जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी एसी की कूलिंग पे भी होता है। जहाँ पे आप एसी एक 24 डिग्रीज पे चला रहे थे, अब वहाँ पे आपको 18 16 पे चलाना पड़ता है, और उसके बावजूद भी आपको कूलिंग नहीं मिल रही है। तो ये एसी में से जो ब्लोअर होता है, इसमें जो फरफराहट की आवाज़ आती है और परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसके मेरे पास कुछ 3-4 कारण हैं और उन्हीं का ही सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फरफराहट होने का जो मेन रीज़न है वो तो सेम ही है, उसका रीज़न ये है कि जो एयर सर्कुलेशन है एसी में अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। एसी कैसे काम करता है? एसी आप ही रूम से या जिस भी एरिया को आपको ठंडा करना है वहीं से ही हवा लेता है, उसी को ठंडा करता है और आपको ठंडी हवा देता है। अब अगर उसको एयर सही से नहीं मिल रही है तो ये आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो कि हो सकता है ऑब्वियस थिंग है और ये लोग आप कर भी चुके हों, मैं स्टेप वाइज चलूँगा, मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। हो सकता है कि आपको पहले दूसरे स्टेप्स पता ही हों, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टेप वाइज चलने वाला हूँ इसलिए मैं सारे स्टेप्स कवर करूँगा। एक जो चीज़ होती है जो कि हम यूजुअली अपने एसी में साफ़ करते रहते हैं, खुद ही साफ़ कर लेते हैं, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो है एयर फिल्टर्स। एयर फिल्टर्स को कहा जाता है कि आप नॉर्मली जो है उसको 15 से लेकर 1 महीने में एटलीस्ट एक बार तो साफ़ कर लिया करें। बहुत ईजी होता है, एसी खोलना होता है, एयर फिल्टर्स निकालने होते हैं, जाली सी होती है जो, और उसको आपको सिंपल पानी से धो लेना है और वापस उसको सुखा के लगा देना है। ये काम आपको हर 15 दिन में करना है। अगर आपने ये काम बहुत दिनों से नहीं किया है तो ये काम कर लें, हो सकता है आपकी इसी वजह से ये समस्या आ रही हो, फरफराहट आ रही हो, आवाज़ आ रही हो इसे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा, और हवा रुक रही हो और आपकी कूलिंग इम्पैक्ट हो रही हो। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि हम ये लोग करते ही हैं, तो इसके अभी से स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है, अगर आपका ये सब कुछ क्लीन है तो फिर आपको देखना है कि ब्लोअर में कहीं गंदगी तो नहीं है। ब्लोअर जो होता है एसी का, उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल मार्च से सीज़न स्टार्ट हो जाता है एसी का, उसके बाद उसमें धूल की परत जमना शुरू हो जाती है, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जो वेंट्स होते हैं जो स्ट्रिप्स होती हैं एसी की, उनको हल्का सा जब इस पोजीशन पे हैं, जब आप थ्रू देख पा रहे हो ब्लोअर के, वहीं पे ही अपना एसी को बंद कर दीजिए, तो उन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा और आप देख पाएंगे कि ब्लोअर में गंदगी है या नहीं है। अपने टॉर्च की सहायता से या फिर मोबाइल के टॉर्च की सहायता से आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है। अगर आपको वहाँ पे गंदगी दिखाई दे रही है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है फरफराहट का। इसके लिए आपको कोई भी पुराना टूथब्रश लेना है और बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही संभलते हुए साफ़ करना है, क्योंकि जो ब्लोअर की जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और वो हार्ड प्लास्टिक होने की वजह से वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो उसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो वो टूट सकता है। तो बहुत ही आराम से आपको जो है वो टूथब्रश का यूज़ करते हुए उस गंदगी को, उस धूल को साफ़ कर लेना है। कोई बेबी टूथपेस्ट ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट भी रहेगा और उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आगे पे ही केंद्रित होते हैं, तो वो अगर आप एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं और उससे आप अपने एसी के ब्लोअर को साफ़ कर लीजिए, घुमा घुमा के साफ़ कर लीजिए। मैक्सिमम जितना हो पाए आप उतना करिए, क्योंकि परफेक्शन से तो आप नहीं कर पाएंगे, वो तो तभी कोई मैकेनिक आगे कर पाएगा या फिर जब जेट स्प्रे से जब हमारा एसी सर्विस होती है तभी उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग हो पाती है। एनीवेज, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ में कर लेना है इसको भी साफ़, और आप देखेंगे कि हो सकता है यही रीज़न रहा हो फरफराहट का, और वो फरफराहट इसको ठीक करने के बाद आप अपने एसी को चलाएं, वो आपको फरफराहट की आवाज़ नहीं देगा। ये दो काम आपने कर लिए लेकिन फिर भी एसी की फरफराहट नहीं जा रही है, तो जो तीसरा रीज़न हो सकता है वो हो सकता है, आपने देखा होगा एसी का जो पीछे की तरफ से जो यूनिट होती है जहाँ से पानी निकलता है उसका, उस यूनिट को आपको देखना है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली एक पाइप के थ्रू हम लोग अपना उस पानी को नीचे कहीं छोड़ रहे होते हैं। अब क्या होता है कि कई बार वो पाइप जो होता है वो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, हो सकता है आपने जैसे नॉर्मली छोड़ा हुआ है उसमें वो ज़मीन पे टच हो रहा है या किसी भी जगह पे टच हो रहा है, किसी भी सरफेस पे टच हो रहा है, वहाँ पे वो ब्लॉक हो रहा है, उसकी सरफेस ओपनिंग ब्लॉक हो रही है या फिर उसके अंदर ही कुछ फंस चुका है, तो वो थोड़ा सा पाइप को आपको देखना है, उसको निकाल लीजिए या जैसे भी है थोड़ा सा कुछ देखिए, उसे साफ़ करने की कोशिश करिए, या फिर जो जहाँ पे वो पाइप अटैच है वहाँ पे भी आप हल्का सा, ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि और ये सब काम आपको तब करना है जब आप एसी प्रॉपरली बंद कर चुके हों, मेंस से हटा चुके हों। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी काम एसी का कर रहे हैं तो वो आप मेंस से हटा के ही आपको कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि भाई इससे आपको शॉक लगने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये आपको पाइप जो है इसको देख लेना है, कहीं से मुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं से ब्लॉक तो नहीं है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ होगी, इस वजह से भी कई बार फरफराहट की आवाज़ आती है। तो ये काम आपने कर लिया, तो तीनों काम आपने कर लिया, उसके बाद
आप देखिए इसे चला के, और उसके बाद अगर आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई है तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि अब ये कुछ इंटरनल चीज़ें हैं, अब ये आपको साफ़ करने वाली कुछ आपके पास ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आप उसे साफ़ कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने एसी को ड्राई मोड पे चलाना है। ड्राई मोड मतलब कि फ़ैन मोड भी होता है। नॉर्मली एसी में तीन मोड होते हैं, एक होता है आपका कूलिंग मोड, दूसरा होता है आपका ह्यूमिडिटी या फिर रेन सीजन में चलाने वाला मोड, जब आप बारिश वारिश होती है तब चलाते हैं, और तीसरा मोड होता है ड्राई मोड या फिर फ़ैन मोड। तो फ़ैन मोड पे आपको एसी को चलाना है एटलीस्ट दो घंटे तक। दो घंटे तक आप अपने एसी को फ़ैन मोड पे चलाएं और उसको कम से कम मतलब चलने दें, कम से कम डेढ़ दो घंटे तक चलने दें, ढाई घंटे तक चलने दें अच्छे तरीके से। इससे क्या होता है कि जो ड्राई एयर होती है वो अंदर के मॉइस्चर को बाहर लेके बाहर निकलती है, क्योंकि जब आपने ड्राई मोड पे चलाया होता है तो कोई मॉइस्चर क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इस समय पे आपका जो एसी है सिर्फ फ़ैन चला रहा है, बिजली भी कंजप्शन बिल्कुल ना के बराबर है, एक जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है उससे भी कम कंज्यूम हो रही होती है, और आपकी जो भी अंदर की ड्राई क्लीनिंग बोल लीजिए एक तरीके से, क्योंकि ड्राई मोड पे चल रहा है तो एक तरीके से ड्राई क्लीनिंग ये आपके एसी की कर रहा होता है। इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो बाहर निकलता है, और जैसे ही आप ये दो ढाई घंटे तक चलाते हैं, इसके बाद आप अपना एसी चलाएंगे कूलिंग मोड पे, तो आप देखेंगे कि आपको फड़फड़ाहट की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म मिलेगी। तो ये चार चीज़ें हैं स्टेप वाइज आपको फॉलो करनी है। अगर आप पहली कर चुके हैं तो दूसरी करिए, दूसरी कर लिए तो तीसरे कर लिए, तीसरे कर लिए तो आप फोर्थ करिए। लेकिन ये चार तरीके हैं, इनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या इस समय पे ये आती है मोस्टली रेनी सीजन्स में, जब क्या होता है कि एयर में जो है, एयर की जो ग्रेविटी है, एयर का जो वेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, डेंस हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट आ जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि ब्लोअर में कुछ ना कुछ मेल फंक्शनिंग भी आ जाती है, मतलब उसको एक जो हवा फेंकनी पड़ रही होती है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, इस वजह से भी ये रीज़न आता है। तो ये प्रॉब्लम इस समय पर बहुत सारे लोग फेस करते हैं, तकरीबन जब हमारा एसी स्टार्ट होता है तो उसके चार महीने बाद ये प्रॉब्लम हर साल आपको आती होगी, स्टार्टिंग में बढ़िया चलता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इस प्रॉब्लम के चलते कई लोग क्या करते हैं, कंपनी में फ़ोन करते हैं कि भाई हमारा जो है एसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें से फरफराहट की आवाज़ आ रही है, हवा जो है रुक रुक के आ रही है और कूलिंग भी नहीं हो रही है, और उसके लिए फिर वो कंपनी वाले आते हैं और कुछ बता के आपके कभी ब्लोअर में प्रॉब्लम बता देंगे कि जी ब्लोअर चेंज होगा, कभी बोलेंगे जी इसकी ये प्रॉब्लम आ गई, ये मोटर में प्रॉब्लम आ गई, फ़ैन की मोटर में प्रॉब्लम आ गई, जबकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम मेरे पास में आई तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी R&D करी, और काफ़ी R&D करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल हर किसी को आ रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये चार मेथड्स फॉलो करिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका काम बना या नहीं बना। इसी तरीके की यूज़फुल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फ्लाइट को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।